नमस्कार, आज हमारे बीच एक सुप्रसिद्ध कवि, फिल्मी गीतकार और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि श्री आलोक श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर को बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। बहुत से दिग्गज कलाकारों ने इनकी काव्य कृतियों को आवाज़ दी है, इनके गीतों को गाया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक कवि से, एक जर्नलिस्ट से एक नामचीन कवि होने तक का सफर आपका कैसा रहा है? बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। और दोनों विधाएं मेरे लिए तो अलग नहीं है। मेरे लिए पत्रकार का लेखक होना और लेखक का पत्रकार होना बिल्कुल जल और पानी की तरह है। ये एक ही चीज़ है जिसमें सरोकार समान है, समय समाज से। जब तक आपके सरोकार होंगे तब तक आप अच्छे पत्रकार होंगे, जब तक आपके सरोकार जिंदा रहेंगे आपकी जिम्मेदारियाँ जिंदा रहेंगी, आप एक अच्छे राइटर रहेंगे। सर, आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन है? लोग, क्या चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है इतनी अच्छी कृतियाँ लिखने के लिए? अपने आसपास का माहौल, दौर, समाज और रिश्ते जो मेरे आसपास हैं, जो एक सामाजिक पूरा ताना बाना है, उनसे बहुत सीखता हूँ, उन्हें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उस समझने की कोशिश में लिखता हूँ। और सर, नए मीडिया छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने फ्यूचर के लिए कैसे आपके जैसे मुकाम पर पहुंच पाए? और मेरे से बड़े और भी हैं, मैं तो खुद यात्रा में हूं, लेकिन मैं अपने से जो जूनियर हैं, जो छोटे हैं, जो पत्रकारिता में हैं और लेखन में, कि अपने आसपास का जो माहौल है उस पर नज़र, और सबसे ज़रूरी चीज़ें स्टडी, अध्ययन, ये बहुत लाजमी है। चाहे आप लेखक हों या पत्रकार हों, आपको ये जानते रहना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, आपके आसपास क्या लिखा जा रहा है, आपके आसपास क्या रचा जा रहा है। उनके प्रति आपकी पूरी की पूरी पैनी नज़र और समझ हमेशा जागृत रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद।